हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गणतंत्र दिवस की पूर्व तैयारियों को लेकर एसडीएम कोर्ट में समीक्षा बैठक आयोजित। बागोड़ा उपखंड कार्यालय में शुक्रवार शाम को एसडीएम मृदुला शेखावत की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत ने जनप्रतिनिधियों व सरकारी अधिकारी एवं कार्मिकों को कोविड-19 को लेकर तीसरी लहर के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरतने व सरकारी गाइडलाइन की अक्षरक्ष पालना करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने की बात कही। बैठक में गत वर्ष कोरोना दौर में हुए समारोह की तरह ही इस बार भी उसी स्केड्यूल की तरह आयोजन करने व सभी विभागाध्यक्षों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बागोड़ा में मनाया जाएगा और समारोह में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों का प्रशस्ति प्रमाण पत्र व मोमेंट से नवाजा जाएगा। बैठक में विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार, खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश बिशोई, बीसीएमओ भीनमाल, पुलिस निरीक्षक छतर सिंह देवड़ा, उप प्रधान छगन कंवर नरसाणा, सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान, पूर्व सरपंच गणेशा राम मेघवाल, पूर्व उप सरपंच पारस मलसोनी, ग्राम विकास अधिकारी राम नारायण विशोई, पशु चिकित्सक मंगला राम, कृषि पर्यवेक्षक सोहन लाल बलाई, जलदाय कार्मिक पृथ्वीराज विशोई व महिला एवं बाल विकास समेत कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। जागरूक टीवी के बागौड़ा से निर्मल दान राव की रिपोर्ट।